हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये मेरा सेकंड पार्ट डाल रही हूँ, जो कि एक पार्ट मैंने पहले डाल रखा है इस वीडियो का, तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने सिल्वर ज्वेलरी परचेज़ की है और बहुत सारी आइटम परचेज़ की है, तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। इसमें मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बैक जो आवाज़ थी जो इधर उधर की तो बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और ये है हमारी चांदनी चौक की मार्केट और हम जा रहे हैं क्लोथ मार्केट और खारी बावड़ी। वहाँ पे खारी बावड़ी में मिलता है जैसे कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हर तरीके के, और जहाँ पे आप रहते हो उधर से हाफ रेट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे तो 2000 रुपये किलो मिलती है ड्राई फ्रूट्स। ये पूरी मार्केट है चांदनी चौक की, जो कि यहाँ पे लहंगा, साड़ी, चुन्नी, किनारी बाज़ार भी इधर ही की साइड पड़ता है, जहाँ किनारी बाज़ार में आपको हैंगिंग मिल जाती है, लटकन जिसे बोलते हैं, जो ब्लाउज़ और दुपट्टों में लगती है, किनारे जो बॉर्डर होते हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सारे हाफ रेट में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लहंगा साड़ी वगैरह सब यहीं मिल जाएगी। और अभी आगे चल के नई सड़क आएगी जो आपको सिर्फ साड़ी ही साड़ी मिलने वाली है। अगर आप आना चाहते हैं चांदनी चौक तो बेझिझक आ जाइए यार, बट यहाँ पे थोड़ी भीड़ होती है। यहाँ पे आज सैटरडे था इसलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भीड़ थी, भैया कह रहे थे कि सैटरडे है इसलिए भीड़ है, नहीं तो इतनी भीड़ नहीं होती है। तो यहाँ पे हम दो तीन जगह हम जा रहे हैं तो इसलिए हमें लेट भी हो गया था, नहीं तो आप एक जगह का लगा के आएंगे ना तो कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है, अपने घर पे आप आराम से पहुँच जाते हैं। तो हम इस टाइम जा रहे थे, सबसे पहले हम सोच रहे थे क्लोथ मार्केट चलते हैं, हमारी मम्मी को मतलब वो लेने थे, बेडशीट लेनी थी। और यहाँ पे एक फ्लैग दिखा जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो गाइज पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ आपको, ये साइड ना नई सड़क है जो पूरी सिर्फ और सिर्फ साड़ी मिलती है, सिर्फ और सिर्फ साड़ी और लहंगा, और बहुत ही अच्छे रेट में। और आप बार्गेनिंग भी करोगे ना इतने ईजी कर देंगे वो लोग कि मैं बता नहीं सकती आपको। ये साइड है सूट मार्केट, ये सारा रेडीमेड भी मिल जाती कुछ चीज़ें, और आपको अनस्टिच भी मिल जाते हैं सूट, जो हाफ स्टिच होते हैं ना वो भी मिल जाते हैं। तो आप बार्गेनिंग करोगे तो आपको बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगा। जो आप मॉलों में लेते हो ना 10-10, 20-20 हज़ार की चीज़, वो यहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये की मिल जाती है, बहुत अच्छी वाली। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। हम सीधा जा रहे थे, मैं ये बता रही थी कि हम क्लोथ मार्केट जा रहे थे तो सोफ़ा कवर लेना था मम्मी को और बेडशीट लेनी थी, मुझे भी सोफ़ा कवर लेना था और बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, बट मैंने भी लिए और मम्मी ने भी लिए, तो मैं आपको आगे वाले वीडियो में दिखाऊंगी जो मैंने परचेज़ की है सारी चीज़ें। तो अब मैं क्या बता रही थी कि मैं सबसे पहले ना, आप यहाँ पे एक तो सेफ्टी के साथ अपना पर्स वगैरह ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे चोर बहुत घूम रहे होते हैं, तो आपको एक ब्लेड मारते हैं और सीधा गायब कर लेते हैं सामान। तो इसलिए अपना पर्स स्लिंग बैग लीजिए जो आगे की साइड रखें। सो गाइस, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं खारी बावड़ी, तो ये देख सकते हो ये है मेवा वगैरह की शॉप। सो गाइज, यहाँ पे सामने 700 आपको 600-500 हर जगह दिखेगा आपको मखाने। मैं पता है यहाँ पे कितने का लेती हूँ, 250 ग्राम लेती हूँ 240 या 250 रुपीज़ का, मतलब 1000 रुपये किलो मिलता है हमारे यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे 500 रुपीज़ किलो मैंने लिया है, यहाँ पे तो फिर भी 700 दिखा रहे थे उस मखाने जो होते हैं। तो आप ये देख सकते हो सामने बहुत सारी शॉप वगैरह भी खुली हुई है, यहाँ पे मसाले वगैरह भी ईजिली मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई भी मसाला जो आपके यहाँ नहीं मिलता होगा ना, वो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे प्राइस में। ये है चाय पत्ती, चाय पत्ती भी आपको बहुत होल सेल के हिसाब से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमने एक तो वज़न के हिसाब से मैंने बहुत कम सामान लिया, नहीं तो मेरे को बहुत कुछ लेना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 600 रुपीज़ केजी है कुछ चीज़, और कुछ 300 केजी है। तो हम प्लान बना रहे थे कि पहले क्या लें, क्लोथ मार्केट जाएं या यहाँ पहले ड्राई फ्रूट लें, तो हमने सोचा ड्राई फ्रूट बहुत हैवी हो जाएगा तो हम चलते हैं क्लोथ मार्केट पहले। तो क्लोथ मार्केट से मैंने सबसे पहले मम्मी को दिलवाया क्या है, सोफ़ा सेट कवर, ताकि यहाँ पे ना एक्चुअली में हमारे यहाँ पे जो वैरायटी होती है ना
और यहाँ की वैरायटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उधर जो हमारे यहाँ पे मिलता है वो भी 190 रुपीज़ 200 रुपीज़ पीस होता है एक, और यहाँ पे मिल रहा था 190 200 भी मिल रहा था। 36 इंच ये डबल का साइज हो जाता है ना, कितने का कह रहे हो? छोटा 150 का एक। हाँ जी, इससे बहुत ही छोटा, इससे छोटा बहुत छोटा नहीं, इससे छोटा भी नॉर्मल साइज है। ये नहीं, ये वाली चीजें मत दिखाना तू अबे। मैडम एक आइटम तो डिसाइड करोगे आप, तो कह तो रहे हैं कि इसी ऐसे में दिखा दो, तो आप साइज ही नहीं कर सकते। ऐसे दिखा दो, ये तो छोटा साइज है भाई, 36 इंच ये बता दो दिया, ये आएंगे डिजाइन ये रहे 480 बिकता है। अरे सामने सामने कंपनी का है, मशीन वगैरह कैसे वॉश करोगे? देखिए 90 रुपये का था, कितने तक का चाहिए कुछ आप भी बताओगे इसको? अरे पानी बोतल रख दो भाई। भैया नीचे वाली भी दिखा दो, ये लाइट ग्रीन कलर की भी है। नहीं लो ना पकड़ो, सिंगल का है, सिंगल का टूट कट कर रहा। सो गाइज अब हमने यहाँ से सारी चीज़ें ले ली थी, सोफ़ा कवर बेडशीट वगैरह सब चीज़ जो जो लेना था हमने क्लोथ मार्केट से ले लिया था। अब हम जा रहे थे ड्राई फ्रूट लेने के लिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता अगर हम पहले ले लेते तो हम अब वहीं से ही एक्चुअली में हमको मेट्रो भी मिल जाती, इसलिए हम वहीं से ही मैं मेट्रो की तरफ भी जा रहे थे। तो इसलिए हम ऐसा नहीं है कि हम अपोजिट साइड जा रहे थे, हम वहीं साइड जा रहे थे जहाँ पर हमको मेट्रो मिलनी थी। तो यहाँ पे 600 रुपए किलो है और हमारे यहाँ पे 1400 रुपए किलो मिलती है। और ये खजूर वगैरह कैसे दिए? सबसे अच्छे वाले कौन से होते हैं? ये सारी पड़ी है खाने में, बस टेस्ट में ही फर्क होता है। एक ये मेज रोल है 700 रुपए किलो। ये कैसे है? और ये वाली 700 रुपए, ये पड़ेगी आपको 500 रुपए किलो। एक पाव देना, दो जगह एक पाव दे दो। दो बहन जी देखिए एक किलो भैया, 10 रुपए वापस कर दो। कैसे लग रही है? 1000 रुपए वाली दे कहना। कैसी है? सो गाइज आपको शायद ये भी लग रहा होगा कि 1000 रुपये 1400 रुपये या 800 रुपये किलो तो हमारे यहाँ पे भी मिल जाती है ये चीज़ें, बट इधर की जो क्वालिटी होती है ना वो 2000 रुपये वाली होती है, जो हमारे यहाँ पे 2000 रुपये भाई मेरे तो मिलता है द्वारका में, बहुत ही महंगा है तो मेरे यहाँ पे तो बहुत महंगा मिलता है सारा सामान। सो गाइज हमारी शॉपिंग पूरी हो गई थी, मैं जा रही थी अपने घर, मम्मी जा रही थी अपने घर, तो और मेरे को मेट्रो से जाना था। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आगे की वीडियो देखनी है कि मैंने क्या क्या लिया है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।